दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। इसमें हमने तीन ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले यूज़ कर रखी है और इसकी रेंज 110 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में है और आउटपुट वोल्टेज ये 200-250 वोल्ट के बीच में देता रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने इसमें तीन ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले यूज़ कर रखी है और रिले हमने इसमें 25 एम्पीयर की काफ़ी हैवी रिले लगा रखी है। आमतौर पर एसी के स्टेबलाइजर में इस साइज़ की रिले यूज़ होती है, इस तरह की सीड रिले, लेकिन हमने इसमें वो रिले यूज़ कर रखे हैं जो कि हम 5 kV के ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसे सब कुछ हैवी ही चाहिए, तो इसलिए हमने ये यूज़ किया है। वरना आमतौर पर इस तरह की रिले यूज़ होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की रिले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मिनी रिले कहलाती है। आपने देखा होगा हमने ये टाइमर पर मिनी रिले लगा रखी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हम इसे कैसे रेडी करेंगे। ये हमारा स्टेबलाइजर लगभग रेडी ही है, सारे कनेक्शन इसमें हो चुके हैं, बस इसमें सर्किट लगाना बाकी है जो कि इसका सबसे मुख्य पार्ट है। सबसे मेन चीज़ सर्किट ही है इसका। दोस्तों देखिए, हम इसमें ये सर्किट यूज़ करने वाले हैं। ये एक माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, इसमें कनेक्शंस आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसमें हमें किसी भी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा इसके अंदर कोई 909 या फिर कोई 1212 हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और इसमें देखिए, जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, इससे ही हमारी 20 वोल्ट या 22 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पर दे देंगे। जो देखिए 24 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 या 22 वोल्ट की एसी सप्लाई हम देंगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सीओ। तो हमारी जितनी भी रिले हैं, सबकी रिले की कॉइल का एक कॉमन कनेक्शन रहता है। ये देखिए, जितनी भी रिले हैं, सबकी कॉइल का कॉमन कनेक्शन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ब्लू वाला वायर सारी रिले पर कॉमन है, तो हम ये यहाँ पर दे देंगे सीओ पर। इसके बाद IP2, जो हमारी सेकेंड नंबर की रिले है, इनपुट 2, उसी कॉइल का कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। इसके बाद IP1, जो हमारी इनपुट रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। इसके बाद OP यानी जो हमारी आउटपुट रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद CUT कट, जो हमारी टाइमर और हाई कट की रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से इसे कनेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें एक ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है सर्किट में कि अगर आप हाई कट या टाइमर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी रिले आप यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप ये कट का कनेक्शन रहने दें। और इसके अलावा अगर आप 140 वोल्ट का स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें केवल दो ही रिले यूज़ करना होती है, तो फिर हम इसमें एक रिले कनेक्शन छोड़ देते हैं, तो हमारा सर्किट ये 140 में भी वर्क करता है। और इसमें हाई कट, टाइमर वगैरह सब कुछ इनबिल्ट रहता है। सेटिंग करने के लिए इसमें केवल एक ही प्रीसेट दे रखा होता है, इसी से हमारी सारी रिले सेट हो जाती है। हाई कट भी सब इसी से सेट हो जाता है, हमें अलग अलग प्रीसेट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ईजी सर्किट है, आप किसी भी नए स्टेबलाइजर में या किसी भी पुराने मॉडल के स्टेबलाइजर में कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये सर्किट बहुत ही आसानी से किसी भी ट्रांसफार्मर के साथ मैच हो जाता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। तो चलिए सर्किट को इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सर्किट के सारे कनेक्शंस कर लिए हैं, अब समय है इसे चेक करने का। तो चलिए इसे चेक करते हैं, फिर आपको चलाकर बताते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है। देखिए, एक वोल्ट मीटर हमने स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है ताकि आपको आउटपुट वोल्टेज समझने में आसानी रहे। देखिए, अब हम इसे ऑन करते हैं और डिमर की सहायता से वोल्टेज हम कम या ज़्यादा करेंगे। अभी इसने आउटपुट नहीं निकाली क्योंकि इसका टाइमर वर्क कर रहा है। इसमें करीब 30 सेकंड का टाइमर रहता है। अगर हम जल्दी स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से जैक है क्विक स्टार्ट का, इसे हम शॉर्ट करेंगे तो आउटपुट निकालना शुरू कर देगा। अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ से डिमर पर से और इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए, स्टेबलाइजर हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। 200-250 वोल्ट के बीच में ये काम कर रहा है। इस तरह से ये हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और देखिए, सेट करने के लिए इसमें केवल एक ही प्रीसेट दे रखा होता है। इस एक प्रीसेट से ही सारे फंक्शन सेट हो जाते हैं, हमें एक ही बार सेट करना पड़ता है, बार बार सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसे कोई भी आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। देखिए, वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, बाकी स्टेबलाइजर हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।